सो गाइस, कल मैंने बहुत दिन के बाद फ्री फायर में अपना आईडी लॉगिन किया और वहां पर मैं अपने 1.3 मिलियन डायमंड को देख रहा था और मैंने सोचा रैंडम के साथ प्रैंक करते हैं, तो मैंने यहां पर वर्ल्ड चैट पे रिक्वेस्ट डाला और यहां पर वर्ल्ड चैट से आ चुका है डीजे आलोक, एडम और हिप हॉप बंडल। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि मैं इनके साथ प्रैंक कर रहा था और उनको मैंने बोला कि मेरे पास 1.3 मिलियन डायमंड है और ये सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे और डीजे आलोक मनी हाइस्ट वाला इमोट दिखाने लगा। और गाइस, देखते ही देखते सब लोग हंसने लगे, सब लोग इमोट दिखा रहे हैं और मेरा डायमंड अपने आप यहाँ पर जीरो हो गया। मैंने इनको बोला कि मेरा डायमंड वापस कर दो, तो यहाँ पर आलोक बोलता है मेरे वर्ल्ड में आके ले जाओ। तो मैंने फिर से बोला कि कहाँ है तुम्हारा वर्ल्ड, तो हिप हॉप ने मुझे रिप्लाई किया और बोला कि दम है तो आजा GTA 5 में नूब। मुझे लगा मजाक कर रहा है भाई, प्लीज वापस कर दो, मैंने बोला। तो जो ये डीजे एडम है, इसने बोला निकल नूब और ये लोग ग्रुप छोड़ के भाग गए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5 और GTA 5 के अंदर जो डीजे आलोक ने मेरा फ्री फायर से 1 मिलियन डायमंड चोरी किया है उसके वर्ल्ड पर जाकर उसको मार कर लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं गाइस हम लोग ला पाते हैं या फिर नहीं। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर GTA 5 के अंदर और GTA 5 के अंदर डीजे आलोक का लुक्स क्या ही कूल लग रहा है यार। और आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जो डीजे आलोक हूँ वो असली वाला है और GTA 5 के अंदर एक डॉन है जो कि मेरा 1 मिलियन डायमंड चोरी करके आया है वो नकली वाला है, बिकॉज असली वाला तो फ्री फायर के अंदर है ना। तो यहाँ पर गाइज डीजे आलोक क्लब के पास से, बार के पास से दारू पीते हुए निकल रहा है। अभी गाइज यहाँ पर सब लोग दारू पी के चुल होके बैठे हैं और मेरा बाइक यहाँ पर है। और आपको बता दो, जो GTA 5 के अंदर डीजे आलोक था जिसे मेरा डायमंड चोरी करके यहाँ पर लाया हुआ है वो यहाँ का डॉन है, तो मुझे भी डॉन की तरह प्रिटेंड करना है, यहाँ पर बंदों को पीटना है, अपने आप को अंडरवर्ल्ड की तरह घोषित करना है। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ गाइस पब्लिक वाले जगह में जहाँ पर मैं 2-4 बंदों को पीटना चाहता हूँ ताकि मेरे लिए भी बंदों के मन में खौफ हो ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पब्लिक वाली जगह में आ चुका हूँ और यहाँ पर सब लोग चिल मार रहे हैं, ठीक है, सब लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर ना अपना दबदबा दिखाना है और लोगों को पता नहीं कि मैं फ्री फायर से आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, हेलो, अबे मुझे गन मारेगा क्या तू भाई, ये ले भाई, ये ले, निकल यहाँ से। अभी गाइज यहाँ पर सब लोग डर चुके हैं मेरे हाथ से, ठीक है, सबको पता चल चुका है कि मैं भी मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, हालांकि अभी मेरे पास गन नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे पास गन आ जाएगा ना सबको पीट दूंगा मैं, सबको भून दूंगा मैं, सबसे पहले तो वो असली डीजे आलोक को भूनूंगा। यहाँ पर मैंने पब्लिक वाले जगह में क्यों मारा पता है, यहाँ पर अभी कोई ना कोई पुलिस को फोन कर देगा और आप देख सकते हो ऊपर मेरा 1 स्टार लग चुका है, यानी कि पुलिस अब मुझे भगाएगी, ठीक है। तो मुझे गाइज अभी पुलिस से भागते हुए जाना है और मैं चाहता हूँ कि पुलिस मुझे भगाए, क्यों, क्योंकि यार पुलिस को अगर मैं मारूंगा कोने में ले जाके तो मुझे गन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी यहीं पर था, मुझे पता नहीं था यार मैं GTA 5 में पहली बार आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर पुलिस 2 स्टार लग चुका है और पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तो देखते हैं गाइस ये लोग मुझे पकड़ पाते हैं या फिर नहीं। तो मैं जानबूझ के गाइस पुलिस को अपने पीछे ला रहा हूँ और मैं पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ जंगल के पास ताकि पुलिस ना मुझे पकड़ ना सके। और यहाँ पर गाइस मैं उतर जाता हूँ, ठीक है, अभी मुझे मतलब पुलिस का वेट करना है, जैसे ही पुलिस आएगी मुझे उनमें से किसी एक पुलिस को मार के उसका पिस्टल चोरी करना है यार, क्योंकि यार अपने पास गन नहीं है यार, क्या ही मतलब फ्री फायर में अपने पास बहुत सारे ईवो स्किन्स वगैरह, बहुत सारे रेयर आइटम, रेयर गन वगैरह है, बट GTA 5 में मेरे पास एक भी गन नहीं है। तो मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ गाइज और एक पुलिस आ चुका है जो कि मुझे पिस्टल से मार रहा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। आजा भाई, भाई यार आजा, इसको गाइज यहाँ पर खोपचे में ले जाऊंगा और इसको मैं मार दूंगा, आजा आजा। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक पुलिस को निपटा दिया है, तो हम इसका गाइज गन चोरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। सो गाइस, पुलिस का गन लूटने के बाद मैंने इस घर को अपना खुफिया अड्डा बनाया था और यहाँ पर मैं चुपचाप निगरानी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि जो फ्री फायर से मेरा डीजे आलोक ने डायमंड चोरी करके लेके आया था वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहता है। तो गाइस अभी इस घर को छोड़ने का समय आ चुका है, तो अभी मेरे पास कोई भी गन नहीं है, सिर्फ एक पिस्टल है, तो उसको मैं सीधा जाके मार नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। तो यहाँ पर गाइस एक गाड़ी को लूटना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक गाड़ी को लूट लेते हैं। तो अभी हम जाते हैं गाइस डीजे आलोक के घर की तरफ और यहाँ पर यार गाड़ी लूटने के साथ ही यहाँ पर मतलब रेडियो चलता है, तो हमको रेडियो को ऑफ करना है। ओके, तो अभी हम जाते हैं गाइज डीजे आलोक के घर की तरफ जो कि यहाँ से कुछ ही दूर है यार। तब तक गाइज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो सब लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दो, हम इसका मतलब और पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूर में गाइज एक होटल था, ओके यही है गाइज लेफ्ट वाला 5-स्टार होटल जो कि डीजे आलोक का होटल है, ठीक है, तो हमको इसके अंदर रुकना है। बट मुझे पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब गन वाले गार्ड है बे, तो मुझे डरना पड़ेगा। बट जो कि मैं बिल्कुल डीजे आलोक की तरह दिखता हूँ तो उसको पता नहीं चलेगा, मतलब मैं एकदम जुड़वा भाई हूँ उसका, उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि यार वो नकली वाला है, असली वाला तो मैं हूँ ना भाई, फ्री फायर वाला असली है। तो आप लोग वहाँ पर देखो भाई, वो गन लेके बंदा बैठा है, तो गाइस थोड़ा खतरा होगा, तो हम लोग सीधा नहीं जा सकते वरना वो मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार देगा, क्योंकि मेरे पास गन भी नहीं है, सिर्फ एक पिस्टल है, तो पिस्टल से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गाइस गाड़ी को हम लोग साइड में लगाते हैं और अरे भाई गाड़ी ठुक गया, भाई ठोकना नहीं है उन लोग को, मतलब शक हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ से उतर जाते हैं। तो गाइज अभी ना मैं क्या करूँगा, देखो मैं गेट से जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मैं जाऊँगा गाइज यहाँ पर ये बाउंड्री को कूद के, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर से चला जाऊँगा यहाँ पर जंप करके, चलो
तो गाइज यहाँ पर हम यहाँ से ऊपर चढ़ चुके हैं, तो अभी हमको जाना है गाइज उस पार, उस कोने में जहाँ पर आलोक रहता है। ओके गाइज, ओ भाई साहब यहाँ पर क्या खतरनाक गाड़ियाँ दिख रही है, वो देखो भाई कितनी महंगी महंगी गाड़ी है भाई, वहाँ पर दो दो गाड़ी है भाई, कितना महंगा है। और अंदर गाइज ऐसे बॉडीगार्ड वगैरह है, अंदर भी गाइज वहाँ पर बॉडीगार्ड वगैरह दिख रहा है। भाई सोच समझ के रहना होगा भाई, बहुत अमीर है ये, फाइव स्टार होटल का मालिक है बे, बट उसने मेरा डायमंड क्यों चोरी किया मुझे समझ भी नहीं आ रहा यार। ओके गाइज वो देखो गाइज आलोक निकल चुका है, वहाँ से आलोक आ रहा है, वो देखो आलोक अपना बॉडीगार्ड को लेके आ रहा है बे। भाई साहब अरे पुशअप कर रहा है भाई, मॉर्निंग वॉक मतलब मॉर्निंग में गाइज ये काफ़ी एक्सरसाइज करता है, वो देखो पुशअप पुशअप कर रहा है। भाई साहब भाई उसने मुझे देख लिया ना, मुझे ठोक देगा मार देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, कितना पुशअप करेगा बे। ओके एक्सरसाइज कर रहा है गाइज, बढ़िया, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। भाई वो गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है वो गाइज, वो गाड़ी लेके निकल चुका है, अपना बॉडीगार्ड को ले जा रहा है क्या, एक बॉडीगार्ड भी ले जा रहा है। ओके एक बॉडीगार्ड को ले गया, अबे गाड़ी ठोकता हुआ जा रहा है देखो, अरे बाकी बॉडीगार्ड उसकी कितनी केयर कर रहे हैं यार, अपना भाई मैं भाई बहुत गरीब हो रहे, मेरा ना बॉडीगार्ड है ना कुछ है यार, मेरा कुछ भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आलोक जा चुका है, ठीक है यहाँ पर आलोक जा चुका है। अभी ना गाइज मैं चेक करता हूँ, मतलब मैं भी बिल्कुल आलोक की तरह दिखता हूँ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये बॉडीगार्ड मुझे पहचान पाते या फिर नहीं। ठीक है मुझे लगता है गाइज ये लोग, अबे डरा दिया साले, ये क्या बोल रहा है यार। गाइज मुझे ना डर लग रहा है, इसने मुझे देखा क्या, अबे ये लोग नहीं पहचान रहे मुझे गाइज ये। हेलो, अरे भाई ठोकना दे मुझे यार। गाइज ये लोग ना मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, लोल गाइज इन्होंने मुझे पहचाने नहीं, मतलब अभी मैं इस होटल का मालिक हूँ। चलो गाइज होटल के अंदर जाते थोड़ा देखते हैं, ठीक है यहाँ से आलोक निकला था तो हमको देखना है कि इस होटल के अंदर क्या है। आलोक यहाँ से निकला ही क्यों सुबह सुबह, मेरे को देखना है। ओके अंदर स्विमिंग पूल था, वो मतलब नहा के निकल रहा था। भाई आलोक तो बहुत शरीफ है बे, डेली नहाता है स्विमिंग पूल में, अमीर है बे। तो गाइज अभी मुझे आलोक को पीछा करना है, तो यहाँ पर आलोक का दूसरा गाड़ी है, तो हम लोग इस गाड़ी को लेते हैं। भाई गाड़ी तो क्या ही लग्जरी है बे। तो गाइज हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके निकल चुके हैं, जो कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, तो अभी हम लोग पीछा करते हैं गाइज उस आलोक का, और उसको भगाते हैं, और हो सके तो उसको मारते हैं, लेट्स गो। तो गाइज सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो वहाँ पर आलोक का गाड़ी स्पीड जा रहा है, नकली वाले आलोक का, तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। और उसका गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये भी उसी का गाड़ी है, और ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है, बट मैं भी ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया करता हूँ यार। तो यहाँ पर हम लोग उसका पीछा करते हैं। मुझे एक चीज़ पता चला कि आलोक अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। यहाँ पर वो सुबह सुबह समुंदर के साइड में आ चुका है एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करेगा शायद से, पता नहीं। बट गाइज वो अगर ये गाड़ी को देख लेगा ना, तो वो पहचान लेगा अपना गाड़ी है बोल के। तो मुझे गाड़ी को ना पीछे पार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को पार्क करता हूँ, और एक काम करता हूँ गाइज उसको जाके देखता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ गाइज वो क्या कर रहा है। भाई वो पानी के साइड जाकर पता नहीं क्या कर रहा है यार, वो है भी कहाँ मुझे पता नहीं गाइज। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं चारों तरफ कहाँ है वो पता नहीं, गाड़ी मुझे दिख चुका है। ओके सामने आ लो, वो देखो गाइज सामने आ लो, वो देखो वहाँ पर बैठा हुआ है भाई साहब, वो देखो पूरा एक्सरसाइज कर रहा है भाई समुद्र के साइड सुबह सुबह। गाइज एक काम करता हूँ, मैंने अपने यहाँ पर छुप जाता हूँ गाड़ी के पीछे, ठीक है, वो देख नहीं पाएगा शायद से। तो गाइज इसका गाड़ी मुझे अच्छे से अभी पता चल चुका है, क्या मुझे देख पाएगा क्या। ओके गाइज उसने नोटिस ही नहीं किया, वो सुबह सुबह अपने धुन में आया और वो गाड़ी लेके निकल चुका है। मुझे एक बार ऐसा लगा कि उसने मुझे देख लिया है, बट उसने मुझे देखा नहीं है यार, लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पर आलोक अपना गाड़ी को पार्क कर रहा है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं गाइज उसने मुझे देखा है कि, मुझे लगता है उसने देखा हुआ तभी गाइज शायद से ना उसने मुझे देख लिया है, क्योंकि ना वो गन निकल चुका है। अब देखते हैं उसे क्या करते हैं। अबे उसने मेरे ऊपर गन तान दिया यार, गाइज मुझे लगा उसने मुझे नहीं देखा है, बट उसने मुझे देखा हुआ था, और वो काफ़ी चालाक से गाइज पीछे गया और गन लेकर मेरे पास आ रहा है। चलो गाइज उससे बातें करते हैं, आखिर इसने मेरा डायमंड लूटा तो लूटा क्यों यार। भाई तूने मेरा डायमंड लूटा क्यों यार। चुप कर, मैंने नहीं लूटा, मुझे लूटने के लिए बोला गया था। भाई तेरे पास तो गन है यार, गन लेके तो कोई भी डॉन बन सकता है, दम है तो बिना गन के फाइट करना, औकात है तो साले तेरे को, तेरे औकात दिखा दो। आजा हो जाए एक एक। अबे आजा आजा, बिना गन का मुझे मारेगा क्या भाई, बिना गन का मुझे मारेगा, हद दे भाई, इधर आजा। अबे नुबड़े आता कुछ नहीं है, चलो जा फ्री फायर। साले हरामखोर, तुझे लगता है तू नकली डीजे वाला होगी, असली डीजे लग तू मारेगा। आजा दिखाता हूं कौन असली। तो यहां पर इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, लेट्स गो गाइस, मैं भी भाई फ्री फायर का असली डीजे वाला हूं बे, छोड़ूंगा क्या। आजा 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 साले, साले गन लेके पावरफुल बनता है GTA 5 के अंदर। आजा इधर आ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये ले। तो गाइस यहां पर मैंने डीजे वालों को पीट पीट के इसकी हालत खस्ता कर दिया है। आजा और मारूंगा साले को, मार डालूंगा भाई, मेरा डायमंड वापस नहीं करेगा। ये ले ये ले ये ले, तेरे से मैं मार कर लूंगा डायमंड, इधर आ। तो गाइस यहाँ पर हमने डीजे वाले को मार दिया। बस तेरा बॉस का नाम बता क्या था। मुझे हिप हॉप ने भेजा था। क्या गाइस, इसने मरते मरते मेरा 1 मिलियन डायमंड तो मुझे वापस कर दिया, बट इसने बोला कि इसका बॉस हिप हॉप है यार। तो यहाँ पर गाइस मुझे अब हिप हॉप को खोजना पड़ेगा, साले ने मेरा डायमंड लूटने के लिए आया क्यों। अबे क्या करेगा बे, मैं इतनी महंगी गाड़ी है, मुझे ठोक देगा क्या। अबे रुक जा भाई, तो सच में ठोक रहा है, कौन है बे। हेलो, अबे अबे हिप हॉप है ये तो,
हेलो, निकल जा हमारी दुनिया से। भाई क्या कर रहा है तू? अभी नहीं 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 प्लीज मत मार, मत मार, नहीं 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 प्लीज मत मार, नहीं नहीं ये तो सुनता भी नहीं बात। हेलो हेलो मत मार भाई, प्लीज 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 जल्दी भाग, भरना इसी गन से मार। ओके भाई ओके, मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मुझे मत मार, मैं भाग जाता हूँ। प्लीज प्लीज, वो गन छोड़ दिया, तेरे पास गन है? मेरे पास गन नहीं है। प्लीज ऐसा मत कर यार, निकल नूबड़े। प्लीज यार ऐसा मत कर यार, प्लीज मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, छोड़। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब इसके पास बहुत बड़ी बड़ी गन है बे, M82B वगैरह लेके बैठा है। गाइस मुझे भागना होगा, बट गाइस हमने अपना 1 मिलियन डायमंड वापस ले लिया है, बट मुझे अभी बदला लेना है अपने इस सीजन 2 हिप हॉप वाले से। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा तो सब लोग लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप लोग कमेंट में बताओ कि यस वी वांट पार्ट 2 बोल के। अभी गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हिप हॉप को उसके औकात दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय।